गहरी नींद का रहस्य भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक महान संत और ज्ञानी थे जिनका नाम था गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध को उनकी असीम ज्ञान, शांति और करुणा के लिए जाना जाता था। उनके शिष्य हमेशा उनसे जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछते रहते थे और बुद्ध उन्हें सरल गहन उत्तरों से संतुष्ट करते थे। एक दिन उनके एक प्रिय शिष्य आनंद ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमेशा शांत और प्रसन्न रहते हैं, मैं देखता हूं कि आप बहुत कम सोते हैं, फिर भी जब आप सोते हैं तो आपकी नींद इतनी गहरी और ताजगी भरी होती है, कृपया हमें गहरी नींद का रहस्य बताएं। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में वह शांति और प्रेम था जो आनंद को गहराई तक छू गया। बुद्ध ने कहा, आनंद गहरी नींद का रहस्य मन की शांति में छिपा है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। बुद्ध ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश के पास असीम दौलत थी लेकिन वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। रात को जब वह सोने जाता तो उसे नींद नहीं आती। वह सोते समय अपने धन, व्यापार और समाज में अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचता रहता। परिणाम स्वरूप उसकी रातें बेचैन और दिन थकावट भरे होते थे। एक दिन सुरेश ने सुना कि बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन देने आए हैं। वह बुद्ध के पास गया और उनसे प्रार्थना की, भगवान मेरी मदद करें, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरी नींद हल्की होती है और मैं सुबह उठकर भी तरोताजा महसूस नहीं करता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुरेश तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है, तुम बाहरी चीजों से संतोष और शांति की तलाश कर रहे हो जबकि शांति का असली स्रोत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो गहरी नींद अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सुरेश ने पूछा, परंतु गुरुदेव यह कैसे संभव है, मैं हमेशा अपने व्यापार, धन और अन्य चिंताओं में उलझा रहता हूं, कैसे मैं अपने मन को शांत कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर बहुत सरल है लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। मैं तुम्हें कुछ चरण बताऊंगा, अगर तुम इन्हें मन से अपनाओगे तो तुम केवल गहरी नींद प्राप्त करोगे बल्कि जीवन में भी सच्ची शांति पा सकोगे। बुद्ध ने फिर समझाया, वर्तमान में जीना सुरेश, पहला कदम यह है कि तुम अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो। नींद का सबसे बड़ा शत्रु हमारा बेचैन मन है जो या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। जब तुम सोने जाओ तो सिर्फ उस क्षण में रहो, अपने श्वास को महसूस करो और अपने मन को शांत करो। मोह का त्याग। तुम्हारा मोह तुम्हारे व्यापारहन और सामाजिक स्थिति से है जो तुम्हें बेचैन करता है। अगर तुम इनसे मोह कम कर सको और ये समझ सको कि सच्चा सुख अंदर से आता है तो तुम हल्के और स्वतंत्र महसूस करोगे। जब मन मोह से मुक्त होता है तो वह शांत हो जाता है और एक शांत मन ही गहरी नींद का अनुभव कर सकता है। सशमा और करुणा। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध या द्वेष पालते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। क्षमा का अभ्यास करो। दूसरों को क्षमा करने और उनके प्रति करुणा का भाव रखने से तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा। इससे तुम्हें नींद में गहराई मिलेगी। सौर ध्यान का अभ्यास। ध्यान वह साधन है जिससे मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। अगर तुम दिन में कुछ समय ध्यान में लगाओ तो तुम्हारे विचारों का शोर कम होगा और रात को सोते समय तुम्हारा मन स्वतः ही शांत रहेगा। सुरेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद सुरेश ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने वर्तमान में जीने का अभ्यास किया, धन और व्यापार से मोह कम किया और करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाया। ध्यान का अभ्यास करने से उसका मन स्थिर और शांत हो गया। कुछ ही महीनों में सुरेश को गहरी और ताजगी भरी नींद आने लगी। सुरेश को अब समझ आ चुका था कि गहरी नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं बल्कि मन की शांति और संतुलन से जुड़ी हुई है। जब मन में शांति होती है तो नींद अपने आप गहरी और सुकून भरी हो जाती है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद यही गहरी नींद का रहस्य है। जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है, जब तुम मोह, क्रोध और चिंता से मुक्त होते हो तब तुम गहरी नींद का अनुभव करते हो। इसलिए गहरी नींद पाने के लिए अपने मन को शांति में स्थिर करना सीखो। आनंद ने बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और उनके इस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। कथा का सार,
गहरी नींद का रहस्य बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर हमारे मन की शांति में छिपा है। जब हम अपने विचारों इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त होते हैं तभी हमें सच्ची गहरी नींद प्राप्त होती है।